इस ला में मेंडल्स ने टू अपोजिट कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स को क्या किया है, उन्होंने लिया है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो नियम था, बेस्ड ऑन पी सीड, ठीक है बच्चों, पी सीड अर्थात मटर के बीजों पर। ये जो इस नियम में इन्होंने दो प्रकार के बीज लिए, टेक्सचर उनका सेम है लेकिन उनका जो साइज है वो डिफरेंट है और उनका जो कलर है वो डिफरेंट है, ठीक है। पहला जो उन्होंने लिया उनका था, पहला जो सीड था वो था राउंड और येलो, यानी जो सीड था वो पूरी तरह से राउंड था लेकिन सीड का जो कलर था वो येलो था, क्लियर। दूसरा जो सीड था, ठीक है, वो था रिंकल्ड, WRINKLED, रिंकल्ड था और किंतु कलर कैसा था, ग्रीन था, क्लियर। तो रिंकल्ड का मतलब होता है दिस फिगर ऑफ फॉर्मिंग इन दिस रीजन, कहने का मतलब वह राउंड नहीं होगा सिर, इट मीन्स रिंकल्ड होगा, ठीक है, लेकिन कलर कैसा है इसका, ग्रीन है। ये तो पेरेंट्स हो गया, ठीक है। अब आप इसको चाहो तो इसका अल्फाबेटिकल फॉर्म भी आप दे सकते हैं। राउंड है तो उसको हम डेमोनस्ट्रेट करेंगे कैपिटल R, एंड देन येलो है तो उसको हम डेमोनस्ट्रेट करेंगे कैपिटल Y, क्लियर। इसी तरह से हम दूसरे वाले सीट को भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में लाते हैं। रिंकल्ड है तो रिंकल्ड को हम यहाँ पे स्मॉल R दिखा देते हैं, और कलर ग्रीन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्मॉल Y ले लेते हैं। अब तो हमें ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इनका गैमिट, ठीक है, इनका गैमिट लेंगे, और गैमिट का मतलब हो गया सिंगल फॉर्म R एंड देन Y। इधर ले लेंगे आप R एंड देन Y। आप इसको राउंड कर लें और इसे भी राउंड कर लें। अब इस प्रकार के जो दो अपोजिट फॉर्म के गैमिट मिले हैं इनके बीच क्या किया जाएगा, क्रॉस करवाया जाएगा, ठीक है। अब जब आप क्रॉस करवाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाने के बाद क्रॉस करवा सकते हैं, मैंने दो नियम आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी आप देख लीजिए। तो R एंड देन R, रिजल्ट क्या आएगा, R एंड देन R, ठीक है। फिर इस R का इस Y से क्रॉस करवाते हैं तो R एंड देन Y। अब तो ये इसका इस दोनों से हो गया। अब इस सेकेंड वाले Y का इस r से हम क्रॉस करवाते हैं, रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा R एंड देन Y। फिर हम इस Y का इस y से क्रॉस करवाते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, पहले Y आएगा और बाद में Y आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो F1 यानी जो फिलियल जनरेशन प्राप्त हुआ है उसमें हम दो कैरेक्टर को चूज करेंगे आगे के क्लास के लिए, पहले वाले को और सेकंड, ये इस लास्ट वाले को, और इसको हम लेकर के आते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या 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 लेके आते हैं, R एंड देन Y और Y एंड देन Y। इन दोनों गैमेटों के बीच हम सेल्फिंग कराएंगे, क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस यानी सेल्फिंग कराएंगे। और जब सेल्फिंग कराएंगे तो गैमिट जो हमें मिलेगा वो चार प्रकार के गैमिट हमें मिलेंगे, ठीक है, चार प्रकार के गैमिट मिलेंगे, देख लेना क्या क्या मिलेगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप आराम से देखिएगा, R Y, ठीक है, एंड देन सेकेंड पॉइंट पे मिलेगा R Y, थर्ड फॉर्म पे मिलेगा R Y, और लास्ट फॉर्म चौथे फॉर्म में मिलेगा R एंड देन Y। ये जो गैमेट प्राप्त हुआ F2 फिलियल जनरेशन में
वो आप देख रहे हैं कि फोर फॉर्म के हैं, सब अलग अलग हैं, ठीक है। ये जो गैमिट बने दोनों में सेम होंगे, इट मीन्स मेल का भी यही गैमिट होगा और फीमेल का भी यही गैमिट्स होगा। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इधर का समझ लिया मैटर, आते हैं हम बॉक्स बनाते हैं। और बॉक्स बनाने का जो नियम है उसमें, चूंकि इसका जो आगे जो रेसिप्रोकल क्रॉस के थ्रू जो रिजल्ट आएगा उसमें समानुपात या जो रिलेशन होगा, 9 related 3 related 3 and then related 1, ठीक है, 9 related 3 related 3 and then 1, यानी 9 जो सीड आपको मिलेंगे वह मिलेगा राउंड मिलेगा, येलो मिलेगा, 3 जो सीड मिलेगा वो भी राउंड मिलेगा और वो ग्रीन मिलेगा, लेकिन 3 जो सीड होगा वो रिंकल्ड होगा और येलो होगा, लेकिन 1 जो सीड होगा वो येलो होगा और ग्रीन। यानी अगर आप ये जो फार्म यहाँ पे मिला है, यहाँ पे देखिए आप 16 खाने तैयार करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए 1 2 फाइनली 3 and 4, 1 2 3 4। अब आप क्या करेंगे, इसमें 16 बॉक्स आपको बनाने हैं, 1 2 3 and 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरफ मेल गैमिट एंड फाइनली साइड वाले में आप फीमेल गैमिट को लिखेंगे, सेम जो आपको मिला है, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड देन स्मॉल वाई, सेम यही चीज आप यहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड देन स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड देन स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये लास्ट वाला जो बॉक्स है आप देखेंगे तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यानी यह जो वन है, ठीक है, यह रिंकल्ड है लेकिन इसका शेप कैसा है भाई, ग्रीन है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप देखिए 9 जो मिलेंगे वो आपको राउंड मिलेंगे और येलो मिलेंगे, ठीक है। आप क्रॉस करवाएंगे, हमने यही क्रॉस करवा दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेंगे खुद स्वयं। इस गैमिट का पहले वाले गैमिट से करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। चूंकि यहाँ पे स्मॉल है यहाँ पे कैपिटल है तो पहले कैपिटल आएगा बाद में स्मॉल आएगा, एंड फाइनली कैपिटल आर स्मॉल आर एंड देन कैपिटल वाई कैपिटल, लास्ट चौथा बॉक्स जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड देन स्मॉल, ठीक है। अब फिर वही चीज यहाँ पे आप करेंगे सेकंड वाले बॉक्स में, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आप क्रॉस करवाते रहिए दिस विल दिस, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड देन कैपिटल वाई स्मॉल एंड देन अगेन कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड देन दोनों स्मॉल वाई आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन इस थर्ड का इस फर्स्ट से कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर नहीं है कि यहाँ पे कैपिटल आर है, तो पहला जो अल्फाबेट आएगा वो कैपिटल आएगा, दूसरा स्मॉल आएगा, एंड देन फाइनली कैपिटल वाई कैपिटल वाई, अगेन सेकेंड बॉक्स कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, थर्ड स्मॉल आर स्मॉल, ये चेंज हो गया देखिए, स्मॉल आर एंड देन कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फोर्थ में देखिए स्मॉल आर एंड देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ये दोनों चीज़ें ये दोनों एक जैसे हैं। फिर फोर्थ का इस फर्स्ट से कैपिटल आर स्मॉल आर एंड देन सॉरी वाई है ना, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेकेंड बॉक्स से कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल, देखिए ये अलग आ गया, ठीक है। फिर आप इसका थर्ड वाले करेंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चौथा आपने कर दिया, तो ये 4 × 8 यहाँ तक 9 और ये जो हैं वो एक जैसे हैं ये, ठीक है, और ये तीनों ये और ये, ठीक है, एक जैसे। तो ये रेशियो आप गिनेंगे क्योंकि संख्या कितनी थी, 9 में 3 × 12 3 × 15 1 × 16, तो 16 बार से 16 रिजल्ट हो गया, क्लियर।